अहंकारी परिवार एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है अहंकारी परिवार। अनुज और चंदा की शादी को अभी 2 महीने भी ना हुए थे कि उनके झगड़े चालू हो गए। अनुज बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वह न चंदा से कुछ बोलता था, न ही अपने मम्मी पापा और बहनों से। जब भी चंदा अपने झगड़ों की बातें अनुज से शेयर करती तो वह उसे कहता कि मैनेज कर लो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब अनुज के मम्मी पापा बहन भाई उससे चंदा की शिकायत करते तो वह उनसे भी यही कहता कि सब ठीक हो जाएगा और कहता आप भी थोड़ा चंदा का ध्यान रखो, वह इस घर में अकेली है, उसे हमारे घर के रीति रिवाजों के बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है। सभी से वह अपनी बातें कहकर परिवार में अधिक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता था। कभी वह चंदा को सुनता तो कभी अपने परिवार की, लेकिन कहता किसी से कुछ नहीं था, क्योंकि अनुज को भी मालूम था कि इस झगड़े में यदि कुछ गलतियां चंदा की हैं तो कुछ गलतियां उसके परिवार वालों की भी हैं, कुछ गलतियां उसके भाइयों और बहनों की भी है। चंदा जब भी अपने घर जाती तो वह अपने माता पिता से अपने झगड़ों की शिकायत करती, जिसके चलते चंदा के माता पिता अनुज को अक्सर डांटा करते थे और उसे अपने मम्मी पापा के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया करते थे। लेकिन जैसे अनुज के कान पर तो जो भी ना रेंगती थी, एक तरफ परिवार वालों ने उसको जोरू का गुलाम की उपाधि दे दी तो दूसरी तरफ ससुराल वालों ने उसको निकम्मा नकारा और परिवार का चंदा होने का तमगा दे डाला। कुछ ही दिनों में यह झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि चंदा के घर वालों ने चंदा को ससुराल भेजने के लिए मना कर दिया। अब तो चंदा अपने घर पर ही रहने लगी। अनुज के परिवार वाले भी चंदा को तलाक देने के बारे में सोचने लगे। अक्सर अनुज के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि इसको तलाक दे दो, हमें इसको नहीं रखना, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन अनुज चंदा से बहुत प्यार करता था, वह नहीं चाहता था कि चंदा को तलाक दे, लेकिन अपने मम्मी पापा के डर की वजह से वह कुछ बोलता नहीं था। एक तरफ चंदा के पापा ने अपनी लड़की का शोषण करने का केस अनुज और उसके परिवार पर डाल दिया। इस केस में दहेज का केस और अनुज के सारे परिवार को भी नाम दर्ज रिपोर्ट में डाल दिया गया। अब तो मामला ज़्यादा ही तूल पकड़ चुका था। बात अदालत तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा और अनुज दोनों एक दूसरे से अब भी प्यार करते थे। चंदा ने अनुज को बहुत समझाना चाहा कि हम परिवार से अलग रह लेते हैं, लेकिन इसके चलते अनुज तैयार नहीं था। अनुज के पापा ने अनुज को अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। अनुज और चंदा दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन दोनों ही के परिवार अपने अपने अहंकार में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे कि उन लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं समझा। चंदा जब अनुज के घर से गई थी तो वह गर्भवती थी। चंदा ने इसी दौरान अपने एक बेटे को जन्म दिया। इस बेटे की दुनिया में आने की खुशी ना तो चंदा के परिवार वालों को थी और न ही अनुज के परिवार वालों को, क्योंकि दोनों अनुज और चंदा का तलाक का मन बना चुके थे। पैदा होने वाला बच्चा शायद इस तलाक में रुकावट बन जाएगा, इसीलिए दोनों ही परिवार इस बच्चे को जन्म से दुखी इसीलिए दोनों ही परिवार इस बच्चे के जन्म से दुखी थे। अकेला अनुज ही ऐसा था जो अपने परिवार के लिए तड़प रहा था। वह अपने परिवार वालों को बताए बिना ही चंदा और अपने बच्चे से मिलने के लिए अपने ससुराल पहुंच जाता है, लेकिन वहां चंदा के माता पिता और भाई अनुज के साथ बदतमीजी करते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं। वहां से बेइज्जत होने के बाद अनुज अपने घर लौट आता है। अनुज चंदा और अपने बेटे के गम में नशा करने लगता है। दोनों का तलाक का केस चल रहा था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर अनुज चंदा को वापस अपने घर ले आता है। चंदा का घर आना अनुज की माँ और बहनों को पसंद नहीं था। वहीं झगड़े जो पहले होते थे फिर से होने लगे। अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। चंदा अनुज के बेटे को अनुज के पास छोड़कर वापस अपने मायके चली जाती हैं। अब फिर से दोनों परिवारों की तरफ से तलाक के लिए तैयारियां तेज हो जाती हैं। इस दौरान अनुज को पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। 1 महीने बाद
अनुज जमानत पर छूट जाता है। अपनी बीवी बच्चे के गम में अनुज बहुत नशा करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अनुज और चंदा के तलाक वाले केस को चलते चलते 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं दे रहा था। चंदा ने अनुज को अकेले मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा कि अनुज कोई बात नहीं, यदि घर वाले हमें कोई हिस्सा नहीं देते तो फिक्र की बात नहीं, तुम और मैं दोनों मिलकर कमाएंगे, हमारा एक बेटा है, हम दोनों साथ रहेंगे, घर से दूर, जहां पर न मेरे घर वालों का कोई हस्तक्षेप हो न तुम्हारे घर वालों का, हम दोनों इन दोनों से अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग। लेकिन अनुज इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह किसी के लिए भी अपना परिवार छोड़ना नहीं चाहता था। अनुज जितना प्यार चंदा से करता था उतना ही प्यार वह अपने मम्मी पापा और भाई बहनों से करता था। लेकिन अनुज के ना चंदा समझ पाई, लेकिन अनुज को ना चंदा समझ पाई और ना ही अनुज का परिवार। एक तरफ अनुज के परिवार का अहंकार, दूसरी तरफ चंदा के परिवार का अहंकार, और अब तो चंदा में भी बहुत अहंकार आ चुका था। वह भी अब अनुज से नफरत करने लगी थी। अनुज दिन भर नौकरी करता, फिर वह जैसे ही शाम होती नशे की गोलियां खाने लगा। अनुज अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, वह चंदा को भूल नहीं पा रहा था। चंदा को भुलाने के लिए वह अक्सर नशे की गोलियां खाया करता था। एक दिन अनुज को पता चलता है कि चंदा की शादी कर दी गई। एक तरफ कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है, केस के चलते चंदा ने शादी कैसे कर ली, यह तो गलत है, लेकिन शादी का कोई सबूत न मिलने के कारण अनुज और उसके परिवार वाले कुछ न कर पाए। जब से अनुज को मालूम हुआ कि चंदा ने दूसरी शादी कर ली, वह बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि उसे चंदा के वापस लौट आने की उम्मीद थी। अब तो वह उम्मीद भी बाकी ना रही। अनुज पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। अनुज को नशे की लत लग चुकी थी, वह नशे की गोलियां बहुत ज़्यादा खाने लगा था। चंदा अब नहीं आएगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। अनुज हमेशा इन सवालों से खुद को उलझाए रखता था। चंदा की शादी की खबर लगे 15 दिन भी ना हुए थे कि एक दिन अनुज ने नशे की ओवरडोज ले ली और वह दुनिया को छोड़कर चला गया। चंदा और अनुज के परिवार वालों ने अपने अहंकार के चलते एक सीधे और सज्जन लड़के को मरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब पछताने से क्या होता है। परिवार वालों को सोचना चाहिए कि वह अपने अहंकार को लेकर अपने बच्चे का जीवन तबाह न करें। इस कहानी से हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार परिवार वाले अपने अहंकार के चलते अपने बच्चों के लिए न चाहते हुए भी बहुत गलत फैसले ले बैठते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपकी भी कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स